कोविड-19 की बात करें तो लगातार इससे कई सारी मुश्किलातें भी अब जो है वो लोगों को आना शुरू हो चुकी हैं। ज़िंदगी कहीं पीछे जो है वो एक रह चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार इस तरह से वायरस फैलता जा रहा है, लोगों की आम जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुकी है। और ख़ासतौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर छात्रों की बात करें तो जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब पूरी तरह से बंद है और कोविड-19 को लगभग अब 6 महीने का वक्त जो है वो हो चला है, लेकिन अभी तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद हैं। लेकिन इससे पहले भी एक मांग उठी थी खासतौर पर स्कूल फीस को लेकर कि जिस तरह से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे लेकिन स्कूल्स वाले उनसे फीस लगातार ले रहे हैं, और क्राइसिस इतना बढ़ चुका है इस कोविड-19 की वजह से कि कई लोगों की नौकरियां तक चली गई हैं। खासतौर पर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर हम पहले BPL फैमिलीज की बात करते थे यानी जो निचला तबका है उनके बच्चों को काफ़ी दिक्कतें पेश आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मीडियम वर्ग है उनको भी कई सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से। और आज ABBP डिमांड कर रहे हैं, ABBP के स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो फी रिलैक्सेशन है वो की जाए PG स्टूडेंट्स के लिए, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस जो है वो माफ़ होनी चाहिए। और आज क्या क्या ये डिमांड्स लेकर आए हैं ABBP के स्टूडेंट्स, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? पलक संभ्याल। पलक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज फी रिलैक्सेशन की डिमांड आपकी तरफ से की जा रही है, क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं आपको और आज ये डिमांड कहीं ना कहीं जेन्युइन होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें PG की तो आपसे फीस ली गई, आपने क्लासेस अटेंड की, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर आपका आया तो लॉकडाउन शुरू हो गया और थर्ड सेमेस्टर में अब आप आ रहे हैं, तो कितना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है खासतौर पर फीस को लेकर? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 5 महीने से लॉकडाउन का काम चल रहा है, लॉकडाउन ही चल रहा है, कंप्लीट बंद है स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से बराबर फीस ली जा रही है। फीस ली जा रही है वाईफाई की, स्टूडेंट वहाँ है ही नहीं, वो वाईफाई यूज़ ही नहीं कर रहा तो उसकी किस चीज़ की फ़ीस? स्पोर्ट्स की फ़ी ली जा रही है, स्पोर्ट्स वो वहाँ पर अटेंड ही नहीं कर रहा तो उस किस बात की फ़ी? लाइब्रेरी की फ़ीस ली जा रही है, लाइब्रेरी अगर वो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ ही नहीं उठा पा रहा तो वो किस बात की फ़ीस दे? जैसा कि जब हम पिछले सेमेस्टर में थे, मैं सेकंड में थी, कोई फोर्थ में होगा, उसी तरह से जैसे पिछले सेमेस्टर में थे उन्होंने पिछले सेमेस्टर की फ़ीस हम ऑलरेडी दे चुके थे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी थर्ड सेमेस्टर में हमारी एडमिशन्स हो रही हैं, हमें प्रमोट नहीं किया गया, बस हमें इतना बोला कि प्रोविजनल बेसिस पे आप आगे एडमिशन लीजिए। अब हम एडमिशन ले रहे हैं तो उन्होंने हमारी पूरी एडमिशन फ़ी रखी है जिसमें हमारा एकेडमिक्स तो आता ही आता है, एकेडमिक्स का कोई इशू भी नहीं है, लेकिन जो मिसलिनियस फीस आती है जिसमें हमारा स्पोर्ट्स का, वाईफाई का, लाइब्रेरी का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक का बिल वो स्टूडेंट से एज अ फ़ी वो वहाँ पे वसूल कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में जो हम मिसलिनियस दे चुके हैं उसी को थर्ड सेमेस्टर में ऐड ऑन किया जाए ताकि पिछले जो कितने महीनों में जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उन्होंने बहुत ही दिक्कतों का सामना किया, काफ़ी क्राइसिस आ चुके हैं देश में, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ये समझने को तैयार नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली में उन क्राइसिस का क्या असर हो रहा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं जानूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मिसलिनियस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन PG के साथ साथ और कौन कौन से वर्ग के छात्र हैं जिनको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, उन फीस जो वो बिना पढ़ाई के जो है वो उनको देनी पड़ रही है? अरे PG क्या, इस टाइम तो चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेजेस के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के छात्र हों, सबको फ़ीस देना पड़ रही है और बिना पढ़ाई के। पढ़ाई तो आप भी जानते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ क्या ही हो रही हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में, 2G चल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज़ के नाम पे सिर्फ PDF भेजी जा रही है। मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, अगर PDF भेजने से हम लॉ पढ़ सकते हैं पूरा सिर्फ PDF पढ़ने से, तो हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हमारी डिमांड यूनिवर्सिटी से ये है, ऑनलाइन क्लासेस पिछले सेमेस्टर तो पूरा हमारे 5-6 महीने बर्बाद गए, अब आगे इनका क्या, इसके लिए प्रोग्राम है क्या, इनके प्रोविजंस है, किस तरह से ये हमारी क्लासेस लेंगे, तो उस पर आज वैसे हमारी HOD से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि जो हमारे टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में आके वहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। इसको लेकर VC सर से कोई बात हुई, कोई मेमोरेंडम आपने दिया उनको कि हमारी जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, माफ़ की जाए ये फीस? जी, हमने आज से कोई 5-6 दिन पहले वाइस चांसलर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, हमारे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के ABBP के इकाई के अध्यक्ष हैं शुभम अमर जी, उन्होंने वो मेमोरेंडम VC साहब को दिया था और हमें ये आश्वासन मिला था कि हम इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन आज 1 हफ्ता होने को है, इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं, यानी सबको सफर होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज है।
जी, आप कौन सी छात्र? मैं एवीपी सांबा जिला संयोजक हूँ और मैं जीडीसी सांबा का स्टूडेंट हूँ 6th semester का जी। जैसे कि हम अब जम्मू यूनिवर्सिटी वालों वाइस चांसलर मनोज दत्त जी ने नोटिस निकाला कुछ दिनों पहले कि स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम किया जा रहा है, तो उसको उन्होंने मेमोरेंडम नोटिस में लिखा था कि स्टूडेंट से फी जो भी ले रही है उसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे छात्रों आगे आए हैं जिसका निंदा किया, एबीपी ने निंदा किया और एबीपी डिमांड करती है कि वो फी जो है उसमें रिलैक्सेशन मिला जाए कम से कम 40-55%। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये नहीं करते हैं, अगर इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती, क्योंकि आगे ही हमारे शुभम जी जो कि एबीपी जम्मू यूनिवर्सिटी के इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगे ही मेमोरेंडम भेजा था, तो उन पर अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो हम डिमांड करते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विद्यार्थी परिषद रोडों पे आएगा। जैसे कि COVID-19 चल रहा, हम तो नहीं आ सकते क्योंकि हम समाज के साथ चलते हैं, समाज के साथ कंधा मिला कर चलते हैं। अगर स्टूडेंट को फ्यूचर के साथ स्पाइल होगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, उसमें भी फ़ी वगैरह ले रहे हैं। हमारे खुद सांबा में भी बहुत से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों से फीस ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि आप, जैसे कि आप भी जानते हो कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो बच्चों को PDF बेच रहे हैं, 2G नेट नहीं चल रहा, नेट तो नहीं चल रहा। इससे अच्छा हम आउट ऑफ जैन के बच्चों को भेजें और उधर जाके वो स्टडी करें, तभी तो उनको फैसिलिटी मिलेंगी पढ़ाई की, इसलिए तो वो बच्चे बाहर जाते हैं जैन के से। और मैं बता दूं कि हम खुद 6th semester के स्टूडेंट हैं, हमसे नहीं PDF से पढ़ा जा रहा, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चों को क्या पता, अब जो मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पुअर क्लास फैमिली है, वो कैसे बच्चों को न्यू फ़ोन लेके देंगे? क्योंकि अगर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना, उसके लिए उसको फ़ोन चाहिए, जहाँ तो नेट चाहिए, जहाँ तो उसको लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चाहिए, तो जिससे बड़े सारे पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि कम से कम इतना तो हो, फी वगैरह तो नहीं ली जाए बच्चों से। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। जी पलक जी, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब फीस का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, इससे पहले स्कूल की मनमर्जी, जो वो स्कूल के जो मालिक हैं वो मनमर्जी कर रहे थे, फीस वसूल रहे थे, लेकिन अब ये जो जिस तरह से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक तरफ COVID-19 की वजह से एक आम इंसान को मार पड़ती हुई नज़र आ रही, लेकिन आज उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं? एक तो COVID-19 के कारण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैं नहीं कहूँगी कि मिडिल क्लास का, इवन कि जो हायर क्लासेस भी हैं, हर तबके को इसका इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ये नहीं समझ रही, इवन कि जो गरीब लोग हैं वो फ़ोन कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो फार फ्लॉन्ग एरिया में भी हैं, गरीब हैं, वहाँ नेटवर्क तक नहीं जाता, जिनके पास फ़ोन है वहाँ नेटवर्क नहीं जाता, जिनके पास नेटवर्क है कईयों के पास फ़ोन नहीं है। हम सरकार से भी ये डिमांड करना चाहेंगे कि आने वाले 1-2 साल तक जो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं, उनको पूरी इकोनॉमिक असिस्टेंस दी जाए, एड दी जाए उनको, ताकि उनकी पढ़ाई सफ़र ना करे स्टूडेंट्स की। क्या रिस्पांस, जिस तरह से आपने मेमोरेंडम तो दिया VC साहब को, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक आया है कि इस पर वो काम करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे, कुछ इस तरह का कोई आपको इशारा होता हुआ नज़र आया? जी, उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि वो इस पर ज़रूर अपना मत रखेंगे, अपना मतलब हमारी फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आज एक हफ्ता होने को है अभी तक, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, कोई असर नहीं दिखा उस मेमोरेंडम का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिल है। क्या कहना चाहते हैं, ये फीस को लेकर लगातार ये बातें उठ रही हैं कि हर एक वर्ग को इस समय नुकसान झेलना पड़ रहा है, हर एक व्यक्ति इस समय क्राइसिस में है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी फीस वसूलने में अभी भी लगातार जो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जो स्कूल जो भी जितने भी सारे हैं, जे कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही अपनी मतलब जो फीस है वो वसूलते आ रहे हैं। सबको पता है कि COVID-19 चल रहा है, अभी तक इसका मतलब रुकने का समाधान कोई हुआ है ही नहीं है। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जब अपना सेशन स्टार्ट किया था तो फीस इन्होंने पहले वसूल ली थी, तो उसके बाद कोई 15 दिन भी क्लासेस नहीं चली होंगी मुश्किल से। तो उसके बाद जब ये स्कूल कॉलेजेस टोटली बंद हो गए, तो इन्होंने जारी कर दिए पहले मास प्रमोशन के लिए, फिर जब मास प्रमोशन के लिए किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा बहाल किया, और उसके बाद मास प्रमोशन के उन्होंने ये रखा कि एग्ज़ाम्स होंगे, पूरे एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब जैसे टोटली पूरा 100% सिलेबस है उसी के साथ एग्ज़ाम्स होंगे।
तो वो उस 30% जो सिलेबस था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इन्होंने जो फीस कॉलेज में जो इन्होंने ली हुई थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों ने, ए से लेके जेड तक जो टोटली फीस होती है इनकी पूरी वसूली हुई थी, पर उसके जो रिलेटेड स्टडीज़ या कोई लाइब्रेरी फैसिलिटी जो होती है वो कोई बेनिफिट नहीं स्टूडेंट्स को मिल पाया। और कैसे पढ़ कैसे पाते बच्चे, और ऊपर से वो PDF के जरिए व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देते हैं, उससे बच्चा क्या पढ़ेगा। वैसे तो अगर पढ़ना हो तो फिर कॉलेज जाने की ज़रूरत ही क्या है हमें, हम तो 3 साल ऐसे डिग्री ले लें फिर। और अभी इन्होंने एक और मतलब किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी साइड पे अपने उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ, कॉलेज वाले अपनी मर्जी से इंटरनल असेसमेंट की असाइनमेंट्स जो है वो व्हाट्सएप या अपनी ईमेल के थ्रू वहाँ पे ले रहे हैं, वो सिर्फ कॉलेज वाले ऐसा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की साइड पर ऐसी कोई वो नहीं चढ़ी हुई है नोटिफिकेशन। तो उससे क्या कर रहे हैं कि वो असाइनमेंट्स जो चढ़ेंगी, बच्चा एक बच्चा से कि मैं इसकी कॉपी करके धीरज जी की कॉपी करके वहाँ पे लिख दूंगा तो मेरे मार्क्स तो वो सेम तो देंगे नहीं, मैं इनकी कॉपी करूंगा मेरे को ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, इनको कम दे देंगे, इससे कंपटीशन तो होगा ही नहीं फिर। मिसमैनेजमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल मिसमैनेजमेंट होगी उनकी तरफ से, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मतलब होना चाहिए। और मतलब जो भी फाइनल नोटिफिकेशन जो है उनकी, पहले वो बोल रहे थे कि सबको मास प्रमोशन, फिर उन्होंने बोला नहीं इन 6 सेम वालों के एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी वालों को ऐसे प्रमोट करेंगे, जब प्राइवेट वाले जो इनकी बैकलॉग्स है उनको ऐसे प्रमोट करेंगे, उसका भी कोई मसला टोटली सिस्टम टोटली ऐसे इनका करप्टेड सिस्टम है टोटली। पर आखिर में ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब इन्होंने बात की है सेमेस्टर को लेकर, आपने जैसे फर्स्ट सेम की फीस दे दी, आपके एग्ज़ाम हो गए, अब आपने सेकंड में आना है, लेकिन सेकंड लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया कंटिन्यू, आप थर्ड में आ रहे हो, तो वो सेकंड सेमेस्टर की भी फीस आपसे ले ली गई है, इतना क्या आपको लग रहा है कि क्या इतना ज़रूरत आन पड़ी कि फीस जो है वो लगातार वसूली जाए और फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएँ। ताला लगा हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बाद भी इतना सारा जो सिस्टम जो है वो करप्ट नज़र आ रहा है जिस तरह से इन्होंने कहा। जी, सेकेंड सेमेस्टर की फीस पर मैं एक बात करना चाहूँगी, सेकेंड सेमेस्टर की फीस हमसे तब दी जाती है जब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होती है, वो एनुअली ली जाती है, सेकेंड सेमेस्टर से पहले फीस नहीं ली गई, उसमें सिर्फ हमारी एग्जामिनेशन फीस ली जाती है जो रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे वो लेते हैं 1100 या मतलब 1100 तक। जो हमारी सेकेंड सेमेस्टर की फीस थी वो हमसे तब ली गई थी जब हमें फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिली थी, और अब थर्ड सेमेस्टर में हमसे वो फीस ली जा रही है जो अगले 1 साल तक चल रही है। तो अगर हमें सब यहाँ पे कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जिसको लगता हो कि आने 1-2 महीने में स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, सबको पता है कि आने वाले टाइम क्या पता और मुश्किल हो, या वैक्सीन के आने से थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए। जैसे कि लॉकडाउन के स्टार्टिंग में इवन कि केंद्र सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि 3-4 महीने तक कोई EMIs नहीं ली जाएंगी, मतलब हर चीज़ में उन्होंने इकोनॉमिक तरीके से उनको रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो स्टूडेंट्स की मतलब क्राइसिस नहीं देख रहे कि देश में क्या क्राइसिस चल रहे, देश क्या पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं इस टाइम, उनको ये मद्देनज़र रख के अपना फैसला आगे सुनाना चाहिए। मेरा ये डिमांड कर रहे हैं कि ये रिलैक्सेशन जो वो जल्दी जी, हमारी ये डिमांड है कि जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है उसको आगे थर्ड में एड ऑन किया जाए और थर्ड सेमेस्टर की फीस में रिलैक्सेशन दी जाए। बिल्कुल जी, चलिए तो साफ तौर पर कहना है इन ABBP के छात्रों का कि जो फीस ली जा रही है जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा उसमें मनमानी की जा रही है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है तो वो जो बच्चा सेकंड सेमेस्टर में आना था सेकंड सेमेस्टर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया कंटिन्यू, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो थर्ड में एड ऑन की जाए और आगे रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि हर एक वर्ग जो है वो इस समय मुश्किलों में घिरा हुआ है कोविड-19 की वजह से अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद की हैं तो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि इस समय हर वर्ग जो है वो क्राइसिस में है, और कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका कामकाज इस समय कोविड-19 की वजह से नहीं रहा, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नौकरियां तक गंवानी पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी जम्मू यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी लगातार करता आ रहा है, फीस लगातार वसूलने में वो आला अधिकारी जम्मू यूनिवर्सिटी के व्यस्त हैं, और इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द रिलैक्सेशन दी जाए हर वर्ग के छात्र की बात करें, PG की करें, लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों की बात करें, यानी हर एक छात्र इस समय मुश्किलों में घिरा हुआ है, लेकिन फीस जो बिना मतलब की जो वसूली जा रही है वो जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इनके द्वारा यही कहना है कि जल्द से जल्द रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है वो बनाया जाए, और इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है VC साहब को उसका भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका है। तो इससे पहले जो स्कूल को लेकर जो इशू बना था, फीस लगातार वसूली जा रही थी स्कूलों द्वारा, उसको लेकर भी
कहीं ना कहीं एक अपने मास प्रोटेस्ट जो है वो भी देखा कि पेरेंट्स का एक प्रदर्शन भी देखने को मिला कि इनसे जो फीस है वो वसूली जा रही है, जबकि काम धंधा पूरी तरह से इस समय चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है। देश किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी जो छात्रों से फीस ले रही है वो सिस्टम बंद नहीं हुआ और सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट नज़र आ रहा है। जिस तरह से इनको बोला गया कि आप ऑनलाइन स्टडीज़ करिए, लेकिन ऑनलाइन भी स्टडीज़ नहीं कर पा रहे, फैसिलिटीज़ नहीं जो वो यूज़ कर पा रहे, वाईफाई की फैसिलिटी हो, हॉस्टल की फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो, कोई भी फैसिलिटी यूज़ नहीं हो पा रही क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इस समय बंद है। लेकिन बिना पढ़ाई के, बिना किसी कामकाज वो फीस जो है वो वसूली जा रही है जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा। तो इसी को लेकर एबीपी के छात्रों की आज ये डिमांड है कि इन जितने भी वर्ग के छात्र हैं इनकी फी जो है वो माफ़ की जाए, उसमें रिलैक्सेशन दी जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि गजूरिया, जेके मीडिया के लिए।